हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं अपनी कार की कल सेकंड सर्विसिंग कराया हूँ, बिकॉज 6 मंथ हो चुके थे, बट मेरी कार 4000 किलोमीटर चली थी बस। तो मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अपडेट कराया, तो मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो एक्चुअली जो मेरा पुराना वर्जन था इंफोटेनमेंट सिस्टम का, वो था मार्च 2020 का, बट जो अभी सर्वर में अवेलेबल हुआ सर्विस सेंटर के, वो 3 दिसंबर 2020 का था। तो ये 2020 दिसंबर का अपडेट है, एकदम लेटेस्ट वाला भी नहीं है, जो 2021 में है वो ज़्यादा लेटेस्ट है, बट ये 2020 का दिसंबर का लेटेस्ट है ये। तो मार्च से दिसंबर में अपडेट हुआ मेरा, तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं इसमें। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए कुछ इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। ये देखिए सेटिंग्स में जाऊँगा अगर मैं, एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स में जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मार्च 2020 का ये 14.42। इसके पहले 12 पॉइंट समथिंग कोई सा वर्जन था कल तक, उसके बाद अपडेट मैंने कराया है अभी, क्योंकि ये लेटेस्ट उनके पास अवेलेबल हुआ अभी सर्वर पे। उसके पहले भी वो टेस्टिंग कर रहे थे सब कार्स में कि कहीं क्रैश तो नहीं होता। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके का है। जैसे आपको यहाँ पार्किंग मिलता था पहले, अब पार्क असिस्ट आपको यहाँ मिलता है। ये देखिए एसी कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है अब। ये देखिए आप यहाँ से पूरा एसी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। होम बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे जहाँ वो क्लॉक एंड डेट भी दिखती है। पहले डेट ऐसे नहीं दिखती थी जब तक आप बंद नहीं करते थे इंफोटेनमेंट सिस्टम को। तो यहाँ एंड्रॉयड ऑटो, जैसे मेरा फ़ोन कनेक्ट है वो भी दिख रहा है, यहाँ कॉल लॉग, ये जो गाना यहाँ प्ले होगा वो दिखेगा। तो जैसे कि इसमें एक चीज़ और अच्छा क्या है, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो मैंने खोला, तो देखिए जैसे कि नेशनल गैरेज का मैं लगाता हूँ, टाटा का ये शोरूम, तो इसका मैं मैप लगा, नेविगेशन लगाता हूँ, नेविगेशन कर रहा हूँ। तो ये देखिए नेविगेशन चालू हो गया है। तो आपको तो पता है कि यहाँ नेविगेशन पहले दिखाता था, यहाँ देखिए ऊपर दिखा रहा है अभी भी। तो इसमें अपडेट में अच्छा ये क्या, जैसे आप नेविगेशन चालू कर दिया है एंड आप होम बटन दबा देते हैं जैसे कि, तो देखिए यहाँ भी आपको डायरेक्शंस दिखाएगा होम स्क्रीन पे। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, पहले नहीं दिखाता था जब तक आप एंड्रॉयड ऑटो का मैप नहीं खोलेंगे, सिर्फ यहाँ दिखाता था ऊपर पे। तो ये भी बेटर है, एंड जो लैग थे पुराने, जैसे कि आप लॉन्ग टूर में ट्रैवल कर रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद स्लो जाता था, बट वो प्रॉब्लम भी अब चली गई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड वॉल्यूम का भी आपको यहाँ दे दिया गया है, यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आप देख लीजिए। तो डेट के लिए बोल रहे थे ना आप सभी, तो डेट अब यहाँ दिख जाएगी आपको, जैसे कि आप नेविगेशन मतलब नेविगेशन बंद करते हैं। तो जैसे कि मैं केबल निकाल लेता हूँ एंड्रॉयड ऑटो का, ये देखिए जैसे मैं अपना एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट किया, नेविगेशन बंद हुआ, तो यहाँ क्लॉक दिख रही है और डेट भी दिख रही है आपको साथ में, पहले डेट नहीं दिखती थी। तो अगर मैं जैसे ये बंद करूँगा ये, तो देखिए ये डेट क्लॉक देखिए आप, क्लॉक में भी इसमें वेरियंट्स है काफ़ी, ये देखिए। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी क्लॉक्स इसमें वाइजेट्स हैं, ये देखिए यहाँ आप डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बट मेरे को नहीं करना क्योंकि सही है। एंड अगर मैं होम बटन वापस दबाऊंगा तो ये कुछ नहीं होगा, आपको करना क्या यहीं से करना पड़ेगा आपको ऑन। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है गाइस, ऐसा चेंज हुआ है कुछ, आप देख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा थीम नहीं आई है इस पर, इस अपडेट पर बस इतना ही था। आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम वगैरह सब आपको दिया, बिकॉज अभी जानते हैं आप न्यू एल्ट्रॉज में 2021 मैन्युफैक्चर में यहाँ से फिजिकल बटन्स हटा दी गई हैं, तो इसीलिए उसमें सब फीचर्स आपको दिए गए थे, मतलब वॉल्यूम वगैरह सब के। तो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।